से रिलेटेड तो जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे सोल्व हो जाएंगे आपको बस सिर्फ इसे हफ्ते में दो बार यूज करना है जी हाँ सिर्फ आपको हफ्ते में दो बार यूज करना है अगर जो आप इसे करते हो ना तो आपके बालों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है जितने भी मतलब जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे हाँ मैं एक आध परसेंट लोगों की गारंटी नहीं ले सकती हो सकता है उनके प्रॉब्लम कुछ और भी बीमारी वगैरह अदरवाइज ये नाइन्टी नाइन परसेंट इफेक्टिव है ये डेफिनेटली वर्क करेगा आपके बालों पे आपके बालों से जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा जड़ से ख़त्म कर देगा इस रेमिडी को बनाना बहुत आसान है वो सारी चीज़ें इसमें जो भी यूज होंगे वो सारी चीज़ें आपको आपके किचन में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे ईजिली आपको अपने आपके किचन में मिल जाएंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके घर में आपके घर के कामों में यूज होते ही हैं इजिली मिल जाएंगे आपको इसके लिए बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करनी नहीं पड़ेगी अगर जो आपके बाल जड़ों से टूट रहे तो ये आपके बालों का टूटना बंद करेगा अगर जो आपके बालों का ग्रोथ रुक गया है तो आपके बालों का रीग्रोथ कर देगा इसके बारे में इतनी बड़ाई कर रही हूँ तो इसके बारे में कुछ तो सच्चाई होगी और मैं ये डंके के चोट पे कह सकती हूँ अगर जो आप इसे ट्राई करोगे ना तो आप हमेशा ही इसे ट्राई करते रह जाओ अगर जो आप इसे ट्राई करते हो तो आपके बालों में डेंड्रप की प्रॉब्लम है तो वो भी चले जाएंगे अगर जो आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हैं तो ये उसे भी सॉफ्ट बना देगा उसे भी जो आप अपने बालों पे ऐसे हाथ फेरोगे तो ऐसे फिसल जाएगा इतना इतना इफेक्टिव है इतना इफेक्टिव है मैं इसके बारे में इतना सब कुछ बोल रही हूँ तो इसमें कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सच्चाई है अगर जो आप इसे ट्राई करते हो तो फायदे में ही ये रेमेडी अपना काम तो करेगा ही लेकिन कुछ और भी है जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है आप पिज्जा बर्गर तो बहुत ही खाते हो अगर जो आप अपने रूटीन में नारियल पानी हाँ मॉर्निंग में अगर जो आप नारियल पानी लेना स्टार्ट कर दो तो ये बाल आपके बालों के लिए बहुत ही सही होगा कि नारियल पानी आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है आपके बालों को अंदर से नरिश करता है तो अगर जो आप चाहते हो कि आपके बाल अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से हेल्दी हो तो आपको अपनी रूटीन में ये तो डालना ही चाहिए इस मैजिकल हेयर ऑयल को आपको अपने बालों के जड़ों में लगाना है डैपड करते हुए फिर आपके पास अगर स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे करके लगा सकते हो उसके बाद आपको अपने बालों के लेंथ में लगाना है पूरी अच्छी तरीके से ताकि आपके एक एक बालों में अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए और अपना काम अच्छे से कर पाए और इसको आपको कम से कम कम से कम आपको पाँच छः घंटे तक रखना है नहीं तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो जब आप सोने रात में जाओ तो आपको इसे लगा लेना है उसके बाद आपको नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेना है अपने बालों को आपको इसका फर्स्ट एप्लीकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप इसे फर्स्ट बार ही यूज़ करोगे और आप इसके फ़ैन हो जाओगे मैं इसकी गारंटी लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है अगर जो आपको अपने बालों से प्यार होगा तो आप इसके फ़ैन तो ज़रूर हो जाओगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं और भी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो लाने वाली हूँ और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड कर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हाँ अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना ताकि आपके साथ साथ उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये मैजिकल हेयर ऑयल मैंने बनाया कैसे इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है एक प्याज इसका आपको रस निकाल लेना है इसमें विटमिन ए बी सी बिटमिन बी ट्वेल्व सल्फर पाया जाता है जो कि आपके बालों का ग्रोथ सही करता है अगर जो आपके बाल बढ़ने बंद हो गए आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं तो ये उसे ठीक करता है अब हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून एलोवेरा जेल ये आपके बालों को स्मूथ सिल्की बनाता है आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये भी आपके बालों को झड़ने से रोकता है अगर जो आपके बालों में डैंड्रप है तो आपको इसमें वन टेबल स्पून लेमन का जूस यूज करना है मेरे बालों में डैंड्रप नहीं था इसलिए मैंने इसमें लेमन का जूस नहीं यूज़ की अब हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून हनी ये हमारे बालों को नरिश करता है हमारे बालों को स्मूथ बनाता है सिल्की बनाता है तो अब ये हमारा मैजिकल हेयर ऑयल बनकर रेडी है लगाने के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड के साथ शेयर और एक प्यार ऐसा कमेंट कि आप इसे ट्राई करने वाले हो या नहीं और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा अगर जो नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और आपको अगर जो और भी कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो मैं कोशिश करूंगी की आपके उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आऊँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय